तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और इसमें हम पढ़ेंगे आज वायरस पढ़ेंगे डिटेल में और वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का थोड़ा सा बस बेसिक जानेंगे कि एक्चुअल में होते क्या है ये। ठीक है, तो डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं। वायरस की जो डिस्कवरी है वो करी थी डी इवानोव्स्की ने। इसके बाद वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी है वो करी थी टी ओ डीनर ने 1921 में, और वायरस की डिस्कवरी कब हुई ये भी आप देख सकते हो, 1892 में हुई थी। और उसके बाद बात करते हैं प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स की डिस्कवरी करी थी स्टैनली बी प्रिशन ने, प्रिशनर ने, प्रिशनर प्रिशनर। ठीक है, और प्रियॉन की डिस्कवरी करी थी उन्होंने 1982 में। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी हुई है और उसके बाद वायरॉइड्स की डिस्कवरी हुई है और उसके बाद हुई है प्रियॉन्स की डिस्कवरी। ठीक है, और किन किन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी करी है ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जिसका नाम है वायरस। और वायरस के बारे में पहले मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा कि वायरस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बहुत ही ज्यादा छोटे, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। बैक्टीरिया है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है 0.1 माइक्रोन का, उससे भी ज्यादा छोटा साइज है इनका। मतलब ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा साइज होता है वायरस का। ठीक है, और इनको देखने के लिए कोई ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे। इनको देखने के लिए बहुत ही हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये है वो इनकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, 9th क्लास में आपने सेल थ्योरी पढ़ा होगा। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं, और सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है वो वायरस ही है। ये बात याद रखना, वायरस। ठीक है, देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी, इसमें हम लिविंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, और जहां भी यहाँ लिविंग्स की बात आती है वहां लिविंग्स के जो कैरेक्टर हैं उनको एक्सेप्शनल बनाता है वायरस। ठीक है, और वायरस की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो है हाईली इन्फेक्टियस। जो वायरस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टियस होते हैं। इसका मतलब कि जो ये वायरस है ये बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि आप आज के टाइम में भी देख सकते हो, कोविड जो है कितना ज्यादा इन्फेक्टियस है। इन्फेक्टियस वर्ड में एक वर्ड आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब होता है एंट्री ऑफ पैथोजन। ठीक है, एंट्री ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्या होता है अगर आप ये भी सोच रहे हो तो बता देते हैं। पैथोजन का मीनिंग होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट। डिसीज कॉजिंग एजेंट मतलब ऐसे सभी एजेंट जो क्या कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, उनको हम पैथोजन बोलते हैं। और पैथोजन का एंट्री होना हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, उसी को हम इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जो ये वायरस है ये हाईली इन्फेक्टियस होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं इंट्रा सेल्यूलरली। देखिए अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी के बाहर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी बनाई है, ठीक है, अगर ये इस ह्यूमन बॉडी के बाहर है वायरस, तो ये अपने नंबर्स को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तब इनके नंबर क्या नहीं हो सकते? मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई का मतलब है अपने नंबर्स बढ़ा नहीं सकते, 1 से 2 से 4 ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग सिस्टम के अंदर एंट्री करेंगे, अभी मैंने बताया एंट्री ऑफ पैथोजन को हम इन्फेक्शन बोलते हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तब क्या होगा? तभी इन वायरस के नंबर्स बढ़ेंगे। तो वायरस को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए किसी लिविंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, किसी लिविंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, लिविंग सिस्टम। वायरस कभी भी आउटसाइड ऑफ लिविंग सिस्टम मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है।
मतलब अपने नंबर नहीं बढ़ा सकता। जैसे ही वो किसी लिविंग सिस्टम में अंदर एंट्री करेगा, सिर्फ तभी उसके नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, नॉन सेलुलर, हाईली इन्फेक्शियस, मल्टीप्लाई इंट्रा सेलुलरली। यहाँ पे ना इंट्रा आएगा, इंटर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इंट्रा। ये मैं करेक्ट करके पीडीएफ आपके पास सेंड कर दूंगा। फिलहाल यहां तक बताइए, यहां तक सभी को समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, हाँ, जो कि अभी मैं बात कर रहा था, पहले मैं क्लीन कर देता हूँ। तो वायरस जो है वो एक इंटरमीडिएट है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब कि वायरस को आप लिविंग भी नहीं बोल सकते हो और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, मतलब उनका इंटरमीडिएट है। बताता हूँ कैसे। अगर ये लिविंग सिस्टम के अंदर है, जैसे कि ये कोई लिविंग सिस्टम है, तो लिविंग सिस्टम के अंदर तो ये एज अ लिविंग बिहेव करेगा, और आउटसाइड ऑफ लिविंग सिस्टम ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब क्योंकि इसकी दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी शो हो रही हैं, इसीलिए वायरस को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझ में आया यहां तक? क्लियर? फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, बताइए कैसे भाई, सो गए क्या? क्लास में सो जाते हो? अरे जवाब तो दो भाई। अरे कैसे बच्चे, तो हाँ जी सर। ऐसे कैसे भाई, क्या हो क्या रहा है तुम लोगों को? है, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, क्लास को खराब नहीं करते हैं। हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं वायरस की स्ट्रक्चर की। तो मैं वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो वो आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, वायरस के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप देख सकते हो, वायरस के अंदर एक तो न्यूक्लिक एसिड मिलता है, एक एनवेलप मिलता है, एक कैप्सिड मिलता है और एक एंजाइम मिलता है। ठीक है, तो वायरस इन सभी चीजों से मिलकर के बनता है, न्यूक्लिक एसिड, एनवेलप, कैप्सिड और एंजाइम। बना देता हूं मैं, क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो पहले मैंने एक न्यूक्लिक एसिड बनाया, मान के चलो, ठीक है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड मैंने यहाँ पे बना दिया है, और अब मैं इसी चारों तरफ एक एनवेलप बना रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, एनवेलप नहीं, एक कैप्सिड बना रहा हूँ, कैप्सिड। ठीक है, इस तरह से मैंने चारों तरफ कैप्सिड बना दिया है। ठीक है, कैप्सिड बना दिया, और कैप्सिड के बाहर फिर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक एनवेलप। ठीक है, यहाँ कैप्सिड के बाहर मैंने एक एनवेलप बना दिया। ठीक है, और एंजाइम कहाँ मिलते हैं, अगर आप लोग ये भी पूछना चाह रहे हो, तो देखो भाई, एंजाइम मिलते हैं यहाँ पे अंदर। ठीक है ना, तो ये है एंजाइम। ठीक है, और ये है एनवेलप। ठीक है, और ये है कैप्सिड। सभी को हमें समझना है अच्छे से। ठीक है, ये एंजाइम नहीं है, ये एनवेलप है। ये एनवेलप है, और ये है इसका न्यूक्लिक एसिड। तो किसी भी वायरस के अंदर ये सब चीजें दिखने को मिलेंगी। इन सब के काम क्या है वो अब हम जानेंगे। ठीक है, एक करके। फिलहाल बात करते हैं एनवेलप की। तो देखो भाई, एनवेलप क्या होता है? सबसे आउटर लूज कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, लूज कवरिंग है ये, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट कवरिंग नहीं है। ठीक है, ये कुछ ही वायरसेस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि एचआईवी। एचआईवी की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो उसके अंदर हमें एनवलप देखने को मिलता है, और ये बना किससे हुआ होता है एनवलप? एनवलप बना हुआ होता है प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन इसका खुद का होता है, जबकि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ये होस्ट सेल का यूज करता है। अब होस्ट क्या है? ऐसी कोई भी सेल जिसको वायरस इन्फेक्ट कर रहा हो, उस सेल को हम होस्ट सेल बोलेंगे। समझ गए? तो
और होस्ट से इसको क्या मिल रहा है, एनवलप, देखो एनवलप तीन चीजों से मिलकर बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है, लिपिड से बन रहा है और कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है। इसमें से सिर्फ प्रोटीन जो है वो वायरस का है, जबकि जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट हैं वो होस्ट के हैं, ठीक है, वो उसको होस्ट से मिला है। सब यूनिट है जो एनवलप की उसको हम, सब यूनिट्स हैं जो एनवलप की उसको हम बोलते हैं पेप्लोमर्स। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पेप्लोमर्स, ठीक है। अब ऐसा कोई भी वायरस जिसके चारों तरफ एनवलप नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो वायरस है इसके चारों तरफ एनवलप नहीं है, जबकि इस वाले वायरस के चारों तरफ एनवलप है, तो ऐसे वायरस जिनके चारों तरफ एनवलप नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नेकेड वायरस। ऐसे वायरस को हम बोलेंगे नेकेड वायरस, ठीक है, नेकेड। इसके बाद आगे बात करते हैं, इस कैप्सिड की बात करते हैं। कैप्सिड क्या है? तो देखो भाई, कैप्सिड भी एक प्रोटीन से बनी हुई कवरिंग ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल वायरस का कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ जो लेयर मिल रही है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। जैसे कि आप इस वाली लेयर को देख सकते हो, ये वाली जो लेयर है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ मिल रही है, तो इसको हम कैप्सिड बोलेंगे, याद रखना, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, जो सब यूनिट है कैप्सिड्स की उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। जो सब यूनिट होती है हमारे कैप्सिड की उसको हम कैप्सोमियर बोलेंगे। तो मैं अगर एग्जाम में आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैप्सोमियर एंड पेप्लोमियर्स, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक वायरस है टीएमवी। टीएमवी की फुल फॉर्म है टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। टोबैको, तंबाकू के पौधे में उसकी लीफ में मोजाइक डिसीज कॉज कर देता है ये वायरस, तो उसको हम बोलते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। और इसके अंदर कितने कैप्सोमेर है ये एग्जाम में पूछ लिया गया है बहुत बारी, तो इसके अंदर कैप्सोमेर मिल रहे हैं 2130, मतलब 2130 कैप्सोमेर इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि हेलिकली अरेंज है या फिर जियोमेट्रिक फॉर्म में भी ये जो कैप्सोमेर है वो अरेंज हो सकते हैं। डायग्राम देख लीजिए, हाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये इस तरह से हेलिकली अरेंज है ये कैप्सोमियर, ठीक है, हेलिकल। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है, इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर है इसको हम हेलिक्स बोलेंगे। तो ये हेलिकली अरेंज है ये जो कैप्सोमियर है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अरेंज है। और ये सभी क्या है, कैप्सोमियर है। और कितने कैप्सोमियर मिल रहे हैं, 2130 इतने कैप्सोमियर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो कैप्सिड है उसके पास एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सुन लेना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है, सुनो भाई। एंटीजेन क्या होते हैं, होता क्या है, एंटीजेन हम कहेंगे किसको, मान चलो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। मैं इम्यून सिस्टम को शॉर्ट में IS लिख रहा हूँ, ठीक है, इम्यून सिस्टम। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा, अगर हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर कर जाएगा और उसके खिलाफ हमारी बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ क्या सिंथेसिस करने लग जाए, एंटीबॉडी सिंथेसिस करने लग जाए, तो ऐसे सभी सबस्टांस जिसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, उन सभी सबस्टांस को हम एंटीजन बोलेंगे। उन सभी सबस्टांस को हम क्या बोलेंगे, एंटीजन, ठीक है, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जाती है, क्लियर है। अब सुने एक और बात, एंटीजन हो क्या क्या सकते हैं, एंटीजन कोई भी प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, कोई भी पैथोजन हो सकता है, ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, और कोई भी लिपिड हो सकता है, क्लियर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुने बात को, अब अगर हम एक और बात कहें, सर हम तो रोटी भी खाते हैं, रोटी में भी फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, इसके खिलाफ क्यों नहीं एंटीबॉडी बनती है, इसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या नहीं बनाती है, एंटीबॉडी नहीं बनाती है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ये रोटी है वो एंटीजन नहीं है। अगर इस रोटी के खिलाफ ही, जो हम रोटी खा रहे हैं, अगर उसके खिलाफ भी हमारी बॉडी क्या बना देती, एंटीबॉडी बना देती, तब हम इस रोटी को भी क्या बोल देते, एंटीजन बोल देते। तो एंटीजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना दे, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, अभी से याद रख लेना, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि कौन बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं बी सेल, तो बी सेल बनाती है ये प्रोटीन, ये भी याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ गया एंटीजन क्या होते हैं, क्लियर? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग कि ये कोई भी एंटीजन, प्रोटीन, पैथोजन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है तभी ये एंटीजन कहलाएगा। अगर इसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही है तो फिर ये एंटीजन नहीं कहलाएगा। एंटीबॉडी का दूसरा नाम मैं बता देता हूं, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन बोलते हैं इसको हम। ये कहाँ मिलता है, हमारे प्लाज्मा में मिलता है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना, ब्लड के दो हिस्से होते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की ही एक सेल है बी सेल, जो कि इन एंटीबॉडीज को बनाती है और फिर ये प्लाज्मा में घूमते रहते हैं एंटीबॉडी। समझ गए, ये थोड़ा सा मैंने बेसिक ज्ञान दिया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हाँ भाई, ये याद रख लोगे ना आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, कॉपी के पीछे लिख लीजिएगा, इसको लिख लोगे ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब यहां तक मैंने बात कही थी आपसे कि ये क्या होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, एंटीजेनिक, एंटीजेनिक बोला है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एंटीजेनिक का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जो इसका कैप्सिड होता है वो एंटीजेनिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर में एंट्री करेगा और इसका कैप्सिड हमारा शरीर देखेगा कि हमारे शरीर में कहीं से कोई कैप्सिड आ गया है, कैप्सिड आ गया है, तो उसके खिलाफ हमारा शरीर क्या बनाने लग जाएगा, इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा। एंटीबॉडीज वाई शेप की होती हैं, वाई शेप की होती है एंटीबॉडी। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वायरस की स्ट्रक्चर में कुछ और फर्दर बातें। ठीक है, तो देखो भाई, वायरस के हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। अभी तक हमने वायरस का एनवलप पढ़ लिया है, ठीक है, और उसका कैप्सिड पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं उसका न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम और रह जाएगा वो और पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है, जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखिए, न्यूक्लियोइड हम बैक्टीरिया के डीएनए को भी बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए को भी न्यूक्लियोइड बोलते हैं और वायरस के डीएनए को भी हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड होता क्या है, न्यूक्लियोइड एक, जब न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, जब इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ना हो, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है हमारे डीएनए के चारों तरफ, ऐसे इनके चारों तरफ नहीं है, तो इनके अंदर कोई न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस जैसा। ठीक है, न्यूक्लियस जैसा मतलब लाइक न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। चलो कोई बात नहीं, तो इसके बाद बात करते हैं, ये ही इन्फेक्टिव पार्ट होता है वायरस का। द ओनली इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड। इसको समझिए ध्यान से, कोई भी वायरस अगर सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसका प्रोटीन, कैप्सिड कुछ अंदर नहीं जाता उसके, सिर्फ और सिर्फ वायरस का न्यूक्लिक एसिड ही अंदर जाता है, सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड अंदर जाएगा, और बाकी जो भी हिस्सा है इसका, चाहे कैप्सिड हो चाहे एनवलप हो, वो अंदर नहीं जाते, अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूक्लिक एसिड जाता है। तो इन्फेक्टिव पार्ट है, इन्फेक्टिव पार्ट
रिलेट कर रहा है उस वर्ड से इन्फेक्शन से, और इन्फेक्शन का मतलब होता है एंट्री ऑफ पैथोजन। तो वायरस का जो हिस्सा इन्फेक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो जो इसका सिर्फ इन्फेक्टिव पार्ट है वो वायरस का, वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, और ये बात बताई थी हर्से और चेज ने 1952 में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट 12th क्लास में बताएंगे या फिर किसी स्पेशल क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन्फेक्टिव पार्ट है वायरस का, विच यूटिलाइजेस द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल फॉर द सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ वायरल कंपोनेंट। देखिए, जैसे ही वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस सेल के डीएनए के साथ अपना डीएनए फ्यूज कर देता है, ऐसा मैंने तुम्हें ट्रांसडक्शन में पढ़ाया होगा, ठीक है। तो उसके साथ अपना डीएनए फ्यूज कर देता है और फिर इस सेल को कंट्रोल करने लग जाएगा। कंट्रोल करने का मतलब इसके मेटाबॉलिज्म को अब ये ही वायरस कंट्रोल करेगा और नए नए फिर वायरस बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा वायरस, वायरस एक से फिर बहुत सारे वायरस बन जाएंगे इस सेल के अंदर और फिर इस सेल को किल कर देंगे और यहां से बाहर निकल के किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है वायरस की कहानी। इसके बाद अब बात करते हैं वायरस के टाइप्स की, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे। तो वायरस के न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे चार टाइप है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। देखिए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना, कभी भी आपने सुना होगा डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलता है नॉर्मली, ठीक है। डबल स्ट्रैंड मतलब एक स्ट्रैंड इसका ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड इसका ये हो गया, तो डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कब बनता है? देखिए भाई, इस डीएनए में एक ए होता है, एक टी होता है, ए टी से बाइंड करता है, जी सी से बाइंड करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है वायरस का और इसमें जो ए होता है वो टी से बाइंड कर जाता है अपने आपस में इसी तरह से, और जी सी से बाइंड कर जाएगा और टी ए से, इस तरह से। मतलब ये अब एक ही तो स्ट्रैंड है भाई, स्ट्रैंड मतलब धागा तो एक ही हुआ ना, एक ही हुआ। तो ऐसे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वायरस जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है उनके एग्जांपल आप समझ लीजिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं आप भूल जाओ कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखता कैसा है। यहाँ एसएस डीएनए का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है जिन वायरस के अंदर, उनके एग्जांपल है यहाँ पर पॉलीफेज 5N2-174, ठीक है, ये नाम है वायरस का। इसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके अंदर मिलता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है पॉक्स वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर। इसके बाद बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखिए, आरएनए जो है वो नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड ही मिलता है, ठीक है, और उसके एग्जांपल है टोबैको मोजाइक वायरस, जिसके अंदर भी हमने पढ़ा था कैप्सोमेयर्स, है ना, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। और लास्ट आता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे बनता है? आरएनए नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन कई बार आपस अपने स्ट्रैंड से ही पेयर कर लेता है, इस तरह से पेयरिंग बना लेगा अपने ही स्ट्रैंड से। तो है तो ये एक्चुअल में एक ही स्ट्रैंड, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि दो स्ट्रैंड्स हैं, जैसे कि एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, जबकि आप देखोगे तो ये पूरा एक ही स्ट्रैंड है। तो ऐसे भी आरएनए मिलते हैं कुछ कुछ वायरस के अंदर, ठीक है। और इसका एग्जांपल है रियो वायरस। रियो वायरस हम ऐसे वायरस को बोलते हैं जिनके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ऐसे वायरस जिनके अंदर एंजाइम मिलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उन वायरस को हम बोलेंगे रियो वायरस। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या काम करता है? ये जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है। तो वायरस के पास ओरिजिनली तो आरएनए मिलता है, लेकिन उस आरएनए से डीएनए बनाने में ये एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और जो ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, उसमें क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इस प्रोसेस को कराने के लिए एक एंजाइम की हेल्प चाहिए जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस ये जो नीचे प्रोसेस में लिखी है ये है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये सब बातें मैं आपको सेल वाले चैप्टर में और पढ़ाऊंगा एक और बारी, फिलहाल यहां तक बस इतना ज्ञान आपको लेना है और ये आप इसकी शॉर्ट ले लो। अब मैं कुछ डिसीजेस के एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो कुछ डिसीज हैं एनिमल के अंदर, कौन कौन से डिसीज ये कॉज करता है ये आप यहां से देख लीजिए, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर कौन कौन से डिसीज कॉज करता है ये आप यहां से देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ में इसकी आपके पास सेंड कर दूंगा। अब एक और एक्स्ट्रा लास्ट टॉपिक है वायरस का, वो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, होस्ट सेल जो होती है वो कुछ प्रोटीन पैदा करती है अपने अंदर, क्या प्रिवेंट करने के लिए, वायरस का मल्टीप्लीकेशन रोकने के लिए, वायरस के नंबर अपने अंदर बढ़ने से रोकने के लिए जो होस्ट सेल होती है, मान चलिए ये कोई होस्ट सेल है, ठीक है, ये कोई होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल में अगर किसी वायरस ने एंट्री करी है, किसी वायरस के डीएनए ने एंट्री करी है, तो ये सेल क्या करेगी, बदले में कुछ प्रोटीन्स पैदा करेगी, ये सेल्स कुछ प्रोटीन पैदा करेगी, उन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे इंटरफेरॉन, ठीक है, इन प्रोटीन क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन बोलेंगे, इंटरफेरॉन। तो ये इंटरफेरॉन एक ऐसे प्रोटीन है जो कि पैदा किए जाते हैं अगेंस्ट वायरस, और क्या काम करते हैं ये प्रिवेंट करते हैं वायरस के मल्टीप्लीकेशन को, मतलब वायरस के नंबर को अपने शरीर में बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है भाई। अब लास्ट जो टॉपिक रह गया आपका वो है वेरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ठीक है। तो देखो भाई वेरॉइड्स क्या होते हैं, वेरॉइड जो टर्म है वो टीओ डीनर ने दी थी, और कौन से एजेंट इन्होंने स्टडी करे, इन्होंने स्टडी करे पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिसीज। पोटैटो नॉर्मली अच्छी शेप का होता है, मोटा सा होता है, लेकिन उसकी अगर शेप स्पिंडल शेप हो जाए, ऐसे ऐसे पोटैटो आने लग जाए, तो एक बीमारी के लक्षण है। और ये बीमारी किसकी वजह से होती है, ये जो बीमारी हो गई है ये बीमारी हो रही है वायरॉइड्स की वजह से, ठीक है, वायरॉइड्स ने इसको ऐसा कर दिया है, इसको अंदर बीमारी ले आए हैं पोटैटो के अंदर, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अब जो वायरॉइड्स हैं ये सबसे ज्यादा छोटे, अभी तक के जाने गए सबसे ज्यादा छोटे एजेंट हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, वो भी इन्फेक्टियस बीमारी। इन्फेक्टियस बीमारी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद दे कंसिस्ट ओनली द नेकेड स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड विदाउट अ प्रोटीन कोट। तो ये कुछ भी नहीं होते, बस न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसके चारों तरफ कोई भी कोटिंग नहीं होती है, इसके चारों तरफ कोई भी कोटिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड होता है इनका भी होता कौन सा है, इनका न्यूक्लिक एसिड नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर या सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, आरएनए होता है वेरॉइड्स, ठीक है। इसके बाद दे ऑल कॉज सेवरल इंपॉर्टेंट डिसीज। अब देखो कुछ कुछ डिसीज कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, है ना, क्राइसैंथेमम स्टंट और कुकुम्बर पेल फ्रूट। आपने खीरा देखा होगा, कई कई बार अंदर से पीला खीरा दिखता है येलो कलर का, तो वो वेरॉइड्स की वजह से दिखता है, ठीक है। और स्टंट का मतलब होता है, क्राइसैंथेमम एक प्लांट है, साइंटिफिक नेम में लिखा है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती है, बौने रह जाते हैं पौधे, इनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उसके पीछे भी वेरॉइड्स का हाथ होता है। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस क्या है, नींबू के अंदर से रस नहीं निकलता है, बहुत ही बेकार नींबू होता है क्वालिटी का, ठीक है, तो वो भी वेरॉइड्स की वजह से होता है। और जो आपका ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज है ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। अब लास्ट लाइन रह गई है इसकी, वो है प्रियॉन्स। तो देखो ये प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपको ज्यादा, बस ये इसकी डेफिनेशन ही पढ़नी है आपको। तो प्रियॉन क्या होता है, नेकेड पैथोजेनिक प्रोटीन। तो बस कुछ नहीं है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है, नेकेड है, पैथोजेनिक प्रोटीन है, जिसको कि हम प्रियॉन्स बोल देते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जिनकी वजह से बीमारी फैलती है, उनको हम प्रियॉन्स बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि ऐसे प्रोटीन जिसकी वजह से बीमारी फैले,
उन सभी प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, प्रियॉन्स बोल देंगे। ठीक है, अब कई बार हमारे शरीर में भी दिमाग में बहुत सारे प्रोटीन के नंबर बढ़ जाते हैं, उनको हम प्रियॉन बोलते हैं, और उसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म हो गया है और ये चैप्टर भी ओवर हो गया है। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी अगर आपको डाउट मिलता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैं ये क्लास